नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज फिल्म स्टूडियो। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐलान किया था जनता कर्फ्यू का। 22 तारीख 2020 को जनता कर्फ्यू होना चाहिए और आज वैसा ही हुआ है। और किशनगढ़ रैनवाल में काफ़ी क्या पूरा मार्केट ही बंद रहा है, कोई बाज़ार में कोई बच्चा भी नहीं दिखा। एक और ऐलान किया था कि ठीक शाम 5 बजे अपने घरों से बाहर निकल के और बालकोनी में जाके ताली बजानी है या थाली बजानी है या घंटी बजानी है, तो जो पुलिस प्रशासन है उनको अच्छा लगेगा और जो लोग जनता कर्फ्यू में भागीदारी निभा रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और आप देख रहे हो किशनगढ़ रैनवाल जिला जयपुर से ये लाइव नीरज फिल्म स्टूडियो के साथ बने रहिए। तो आज का दृश्य दिखाते हैं ठीक शाम 5 बजे का। चलो ठीक है, बने रहिए। थैंक यू आपका। यहाँ पे तालियां बज रही है, मोदी जी का जो ऐलान था उसकी पालना की जा रही है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे तालियां बज रही है हर घर में। मैं आपको ये रेनवाल का दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ पे तालियां बजाई जा रही है। यहाँ पे तालियां बजा के सम्मान कर रहे हैं यहाँ के रैनवाल के जो लोग हैं। लोग छतों पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे भारत का झंडा लेके खड़े हैं अंकल जी और जोरों से सम्मान किया जा रहा है हमारे मोदी जी की बात का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब है, यहाँ पे बजाया जा रहा है बहुत जोरों से ढोल बजाए जा रहे हैं रैनवाल पब्लिक द्वारा। हमारे भाई साहब है, सब लोग तालियां बजा के यहाँ तालियां बजा के मोदी जी के बातों का पालन कर रहे हैं किशनगढ़ रैनवाल। यहाँ पे लोग अपने अपने घरों की छतों पे घर से बाहर तालियां बजा रहे हैं। सभी रैनवाल वासी
आपको रेनवाल का दृश्य दिखा रहे हैं। ओ, ओट आ रही तू झंडा लहरा रहे हैं यहाँ पे। चैनल नीरज फिल्म स्टूडियो को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें।